बागी फिल्म सीरीज में टाइगर श्रॉफ ने कितनी एक्टिंग फीस चार्ज की है? बागी की फिल्मों में सबसे ज्यादा शूटिंग वक्त कौन सी पिक्चर ने लिया है? कपिल शर्मा शो पे आके बागी के एक्टर्स ने क्या धूम मचाई है? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और टूर सिमरन ग्रोवर। टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म सीरीज रही है बागी। बागी की तीन चौथी पूरी हो चुकी है और चौथी फिल्म जल्दी बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। बागी फिल्म सीरीज में भले ही बागी के एक्टर्स या फिर लीड एक्ट्रेसेस को बदला जाएगा, लेकिन टाइगर श्रॉफ का बागी में होना कॉन्स्टेंट ही रहता है। बागी फिल्म सीरीज में टाइगर श्रॉफ ने 10 से 15 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ नहीं है इस फिल्म के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने कहा कि बागी फिल्म सीरीज में सबसे ज्यादा वक्त शूटिंग के लिए बागी 3 ने लिया है। इस पिक्चर ने कुल 777 दिन के लिए अपनी शूटिंग को खत्म करने के लिए। ऐसे में इस फिल्म के लोकेशन और एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही बारीकी से डायरेक्ट किया गया है और यही वजह रही है इस फिल्म की शूटिंग को इतना वक्त लग गया। बागी 3 के प्रमोशन के वक्त जब फिल्म की कास्ट कपिल शर्मा शो पर आई, तब अर्चना प्राण सिंह ने ये रिवील किया कि टाइगर श्रॉफ नहीं है इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर। अर्चना प्राण सिंह ने जब शो से पहले एक बीटीएस वीडियो शूट कर रही थी, तब उसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्टर अहमद खान और रितेश देशमुख की आपसी सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, जब कपिल शर्मा शो के सेट पर अर्चना प्राण सिंह वीडियो शो कर रही थी, तब उन्होंने टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर से भी पूछा था कि इस फिल्म में उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। तब उन्होंने कहा कि 777 दिन बताया था, लेकिन जब रितेश देशमुख से उन्होंने ये पूछा तो रितेश देशमुख ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म पर सिर्फ 35 दिन काम किया है और हंसी मजाक करते हुए कहा कि उन्होंने पर डे के हिसाब से फीस चार्ज की है और इसीलिए बागी के हाईएस्ट पेड एक्टर रितेश देशमुख ही है। रितेश देशमुख कैसा कहने पर डायरेक्टर अहमद खान भी इस मजाक में उनका साथ देने लगे और उन्होंने कहा कि क्योंकि रितेश देशमुख ने हर दिन इतना पैसा चार्ज किया है, इसीलिए फिल्म में रितेश देशमुख का बेस्ट देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ 25 करोड़ फीस चार्ज करने वाले हैं और वहीं श्रद्धा कपूर जो पहले 5 करोड़ चार्ज किया करती थी, इस बार 8 करोड़ फीस चार्ज करने वाली है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस बार टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ सपोर्टिंग कास्ट में कौन से एक्टर्स होने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।